अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महफूज आबाद में। यहाँ आज आने का मकसद ये है कि आज लास्ट नाइट महफूज शहीद जो है आज के दिन यानी 18 दिसंबर को जामे शहादत नोश किया उन्होंने, जब इंडिया का एक गांव था पुल कंजरी, वहाँ जब जाके अटैक किया और उस दौरान बहादुरी से लड़ते हुए इन्होंने जामे शहादत नोश किया। नाज़रीन, मेरी बहुत मोहब्बत है जितने भी निशाने हैदर हैं इनके साथ, तो अकीदत के लिए मैं आज इधर आया हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जितने भी मनाजर हैं इस कब्र के और इस इर्द गिर्द का जो माहौल है। नाज़रीन, लास्ट नाइक महफूज शहीद का ताल्लुक 15 पंजाब रेजिमेंट से, और हुआ कुछ इस तरह कि 18 तारीख यानी आज के दिन रात जब पुल कंजरी के गांव के ऊपर जब पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक किया, उस दौरान दुश्मन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म का फायर था। उस फायर की परवाह किए बगैर ये आगे बढ़ते गए। इस दौरान इनके साथ जो इनके साथी थे सिपाही, वो भी शहीद हो गए। उनकी जो उनके पास जो गन थी, वो गन लेके इन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर फायर खोला, फिर उनको गोलियां भी लगीं, लेकिन उसके बावजूद ये रेंगते रेंगते उस मोर्चे के पास चले गए जहां से पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा था, वहां से कारगर फायर हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि सीधे उस मोर्चे में गए और जो इंडियन आर्मी का सिपाही जो फायर कर रहा था उसकी गर्दन को दबोच लिया। जब उसकी गर्दन दबोची तो उसके साथ जो इंडियन मिलिट्री के जो दो सिपाही थे उन्होंने संगीनों से इनके ऊपर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन इनके जो बाजू की गिरफ्त थी वो इतनी मजबूत थी कि जो इंडियन सिपाही था वो इनके बाजू में ही उसने दम तोड़ दिया। तो नाज़रीन, अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करें, ये आपके लिए जाने दे रहे हैं दिन रात, कभी ईस्ट बॉर्डर पे, कभी वेस्ट बॉर्डर पे और कभी हमारे शहरों के अंदर। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेरे खित्ते पोठोहार के तीसरे निशाने हैदर हैं। आपको मैंने दो निशाने हैदर, बल्कि यहाँ पहले भी मैं आ चुका हूँ। आज आने का मकसद सिर्फ ये था कि आज के दिन जो है लास्ट नाइट महफूज शहीद हो गए थे आज के दिन, तो अकीदत के लिए हम लोग इधर आए हैं। इधर फातह हानी करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम यहाँ से वाइंड अप करेंगे। नाज़रीन, हमारे शुहदा हमारी जान, इनकी इज्जत हम पे फ़र्ज है। इनकी वजह से ही आज हमारा जो सबसे लाली परचम है ये फिजाओं में सरबुलंद है, और इनकी ही वजह से रात को हम चैन की नींद सोते हैं, और इन्हीं की वजह से मैं आसानी के साथ अपने मुल्क पाकिस्तान में घूमता फिरता हूँ इस झंडे के साथ। सुन सकिए
सुने इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। नाज़रीन, जब लास्ट नाइट महफूज शहीद जब वो शहादत का रुतबा पाया उन्होंने, तो उस वक्त का जो उस एरिए का जो इंडियन फ़ौज का जो कमांडर था, उसने अपने रिमार्क्स ये दिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बहादुर नौजवान कभी नहीं देखा। तो नाज़रीन, मज़ा उसी वक्त ही आता है जब आपका दुश्मन भी आपकी बहादुरी के गीत गाए। तो ये हैं जी हमारे शुहदा, ये है हमारे शुहदा की सरजमीन खित्ते पोठोहार। नाज़रीन, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अपने आरा का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सुन सकिए सुने इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी।